नमस्कार दोस्तों, इनके आयु 28 साल और 3 महीना हो चुकी है। ये शेयर मार्केट में इन्वॉल्व है और ऑप्शन ट्रेडिंग का काम करते हैं। काफ़ी रिस्की है ये बिज़नेस शेयर मार्केट का ऑप्शन वाला, पर ठीक है, किसी को तरीका आ जाता है तो उससे भी पैसा कमाता है और इन्होंने भी कमाया पैसा, ऐसा नहीं है। और रुकावटें भी आई है, पर मैं इस चीज़ के लिए इनको ना नहीं बोलूँगा। हाँ, जीवन के जो उतार चढ़ाव है, बहुत ज़्यादा संकट वाला हाथ भी नहीं है, पर जीवन के जो उतार चढ़ाव है वो सारे इनके हाथ पर शो हो रहे, एक एक करके हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा इनका सवाल है, शादी कब होगी, तो वो भी लाइन इनके हाथ में शो हो रही है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषा का रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा स्क्वायरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है। सेकंड फैलेंज अच्छा है, लॉजिक के साथ तत्व के साथ अपनी बात रख पाते हैं। और अंगूठा हथेली के मुकाबले में इतना स्ट्रांग नहीं है, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज नेचर होगा। पर अगर इस इंडिविजुअल अंगूठे को देखो तो ये काफ़ी स्ट्रांग लगता है, पर इसके साथ मुकाबला किया जाता है तो वो हिसाब से ये इतना स्ट्रांग नहीं है। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही तो व्यक्ति में धार्मिक भावना रहती है। इस तरह के फैलें जो उंगलियों के, तो इनमें पॉलिटिकल अवेयरनेस ज़्यादा रहती है और किसी न किसी पार्टी के ये अच्छे खासे फॉलोअर होते हैं, जैसे ही होश संभालते हैं और इलेक्शन के समय ये उस पार्टी को, चाहे वो हारती भी होगी तो जीता लेते मन में, यानी लोगों के सामने। ये उंगली फर्स्ट पहले तक नहीं पहुंची तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति और मनी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। पर इनके पास एक एडवांटेज है, काफ़ी अच्छा मनी ट्रायंगल है, तो मनी मैनेजमेंट में कमज़ोर नहीं होंगे, बाकी सारी चीज़ों में ये कमज़ोर होंगे। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर बहुत सारी खड़ी लाइन है, ये बुढ़ापे में भी अच्छी खासी इनकम इनको देगी। ये सुंदरता भी देती है, बिजनेस सेंस भी देती है, दो चार भाषाओं के जानकार भी होते हैं ये लोग, तो ये सारा एडवांटेज इनके हाथ में है। सूर्य पर्वत पर देखें, अब क्लोज अप में रही चलते हैं सूर्य पर्वत के। कितनी बारीक साइन है देखो, सन लाइन पर एक तो ये रही, एक इसके ऊपर है, और एक इसके ऊपर भी है, एक ही लाइन में। पर ईश्वर ने अगर यही पूरी बड़ी दी होती तो बहुत पैसा कमाते थे। यहाँ पर अगर इस तरह से चलती तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते थे, पर तीन साइनें दिए, तीन तीन पर फिर भी पैसा आएगा क्योंकि सन लाइन पर है, तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और भी साइनें हैं, वो जो दिखाई वो यहाँ पर थोड़ी स्पष्टता से नज़र आ रही है इस प्रोग्राम में, और यहाँ पर एक छोटी और भी दिख रही है, यानी सोचिए कंटिन्यू चल रही है और ये सारी मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर भी एक है, इस जगह पर भी एक है,
पर भी है, यहाँ पर भी है, और एक काफी अच्छी साइन इस जगह पर भी नजर आ रही है। तो साइने तो है, पैसा तो ये कमाएंगे जीवन में। मुझे कहीं पर मैंने यहाँ पर ट्रायंगल भी देखा था। यस, ये देखिए, जब बुध पर्वत पर ट्रायंगल हो और एक यहाँ पर भी है तो व्यक्ति इनोवेटिव होता है, पुरानी चीज को नई तरह से पेश कर सकते ही है, इनोवेटिव रहते हैं। और यहाँ पर भी देखिए फिश साइन है, ये बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं बुध पर्वत पर हो तो। जब फोटो स्पष्ट आए तो कितनी बारीक बारीक चीज़ें सामने आती, कितनी बारीक बारीक, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। यहाँ पर उभा रहे तो सुबह उठने में अच्छा नहीं लगता होगा, आनंद नहीं आता व्यक्ति को। बाकी शनि पर्वत नॉर्मल है, आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं लगता। जुपिटर माउंट मेरे हिसाब से काफ़ी उत्तम है, ये बड़ा होने की वजह से थोड़ा सा शरीर में वजन देगा, खाने के शौकीन होते ये लोग, इनको खिलाना भी पसंद आता है, खाने के लिए कितने भी किलोमीटर जा सकते हैं। और मुझे कहीं पर भी ये खाली हाथ सीधा रख नहीं पाए थे, इसके लिए इस तरह से टिल्टेड लग रहा है। इनके पूरे हाथ का फोटो देख चुका हूँ, एकदम नॉर्मल उभार वाला है ये काफ़ी, और इनको स्टेटस भी अच्छा मिलता है, चार लोग उठकर जगह देते हैं, इज्जत भी अच्छी खासी मिलती है, तो ये सारा एडवांटेज व्यक्ति को रहेगा। ये अगर लाइन हो तो कुछ खराब समय भी आए तो भी व्यक्ति टिका रहता है, और ऐसा कोई ऐसा बहुत ज़्यादा खराब समय वाला हाथ है नहीं। ये लाइन हो तो व्यक्ति मल्टीपल इनकम, फार्मिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है, सेवा भावी और धार्मिकता, ये कोई ना कोई स्पोर्ट्स के जानकार होंगे, इस तरह का मंगल है तो शारीरिक ऊर्जा काफ़ी उत्तम रहती है, बाहरी मंगल तो उससे भी ज़्यादा अच्छा। ऐसे लोग जब किसी से मिलते तो अपनी छाप छोड़ जाते, यानी एक बार की मुलाकात में लोग इनको याद रखते, इतने एग्रेसिवली मिलानसार रूप से मिलते एनर्जी लगाकर, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। ये मनी ट्रायंगल मैं बता ही चुका हूँ, ऐसे लोग मनी मैनेजमेंट में काफ़ी पावरफुल होते हैं, और राहु रेखा जब काटती है तो इतना बड़ा मनी ट्रायंगल हो तो ज़्यादा तकलीफें नहीं झेलता। बाकी चंद्र पर्वत नॉर्मल है, मैं इसको बहुत अच्छा चंद्र पर्वत नहीं मानूंगा, और ये लाइन है व्यक्ति को यात्राएं भरपूर करवाती है। शुक्र पर्वत भी काफ़ी उत्तम है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण व्यक्ति में रहते हैं। अब इनकी देखिए हृदय रेखा पूरी शनि पर्वत से स्टार्ट हो रही है, तो शुरुआत में गुस्सा भी रहेगा हल्का सा, और ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और काफ़ी उत्तम हृदय रेखा है, तो जीवन का पूरा आनंद ले पाएंगे। माइंड लाइन में भी कोई तकलीफ नहीं है, काफ़ी उत्तम माइंड लाइन है, यहाँ से शुरुआत हो रही है और ऐसे चल रही है, तो महत्वाकांक्षी तो होंगे ही, और साथ में काफ़ी बैलेंस, सारी रेखाएं बैलेंस है इनकी, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, तो उत्तम माइंड लाइन है। ठीक है, थोड़ा जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी हल्की सी धार्मिकता बढ़ेगी, बाकी शार्प माइंड लाइन है, यानी हर तरह से उत्तम पाम है। अब इनकी जो जीवन रेखा उस पर चलते, उसके बाद वापस इस फोटोग्राफ पर आएंगे।
ये एज ऑफ 26 में इनके जीवन में बदलाव आया होगा, कोई देश बदला होगा, घर बदला होगा, शहर बदला होगा, या व्यवसाय बदला होगा, ऑफिस बदली होगी, कोई ना कोई बदलाव व्यक्ति के जीवन में आता है। फिर उसके बाद 26 के आसपास ही कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ हुई होगी। उसके बाद एक राहु रेखा आई जो इनको एक साल पूरा परेशान की होगी, और ये मेरे हिसाब से 27 के आसपास ये राहु रेखा आई होगी। उसके बाद ये लाइन शादी कराएगी। अब ये लाइन शादी की है कि नहीं इसको देखने के लिए और इनसे क्लोजअप मांगा था, वो ये रहा। पूरी यहाँ से चलकर कट करके आगे तक जा रहे और यहाँ पर कोई ना कोई लाइन होगी, तो ये लाइन इनकी लगभग 31 के आसपास मैरिज कराएगी। ये और इसी पीरियड में शादी के आसपास कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ है। उसके बाद सीधे स्ट्रेट फोटो पर चलते हैं। एक 39 में राहु रेखा आएगी, ये इनको परेशान करेगी, और ये लाइन लगभग इलू इलू की लाइन है, यानी एज ऑफ 41 में इलू इलू होगा इनको। उसके बाद अगर देखें तो 45 से लेकर यहाँ तक एज ऑफ 55 तक हर 2-3 साल में छोटी छोटी राहु रेखाएं आएगी, कोई खास बड़ी नहीं है, हल्की हल्की छोटी छोटी राहु रेखा आएगी। तो इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मनी ट्रायंगल बहुत बड़ा है, केवल एक हैवी राहु रेखा इस पीरियड में है। और एक शादी के बाद भी अगर देखें तो 3 साल के बाद एक छोटी सी राहु रेखा और है। ये दो मेन राहु रेखा है, ये तो कुछ खास नहीं है, पर ये जो राहु रेखा ये काफी स्ट्रांग है 39 वाली। फिर ये छोटी छोटी है तो खास दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, और ये पूरा घुमाव ले रही है, तो पारिवारिक सोच वाले इंसान होते कहीं बाहर भी गए तो घर में संपर्क रखेंगे, परिवार के लोगों से संपर्क रखते, और फोर्क भी है तो ट्रैवलिंग भी ज़्यादा रहेगी। अब इनकी धन रेखा पर ऐसा कोई खास कट कहीं पर भी नहीं है, छोटे मोटे कट है, एक जैसे ये 47 के आसपास है, एक छोटा सा कट 50 के आसपास है, एक छोटा सा कट 53 के आसपास है, कोई खास मामूली कट है, इसमें कुछ पता भी नहीं चलेगा। अब इनकी धन रेखा को देखते हैं। धन रेखा अप टू 35 तक काफ़ी उत्तम चल रही है, काफ़ी उत्तम 35 या 34.5 तक। उसके बाद थोड़ी सी कमज़ोर पड़ती जाएगी, अप टू ये कमज़ोर रहेगी यहाँ तक। इसमें थ्रेड है, यानी इनकम होती रहेगी पर खर्च बढ़ेगा इनका, और ये खर्च होगा लगभग 43 तक। इस तरह की धन रेखा हो तो ज़्यादा बचत नहीं होती, इनकम आ भी गई तो बचत कम होती है, बाकी कोई बहुत बड़ा नुकसान इनके हाथ में नहीं है क्योंकि थ्रेड है इसमें, तो इनकम तो आएगी पर वो बचत कम होगी, और 43 से वापस जो ग्रोथ चालू होगी अप टू मरने तक। तो मेरे हिसाब से काफ़ी उत्तम पाम है, इतना तकलीफ तो हर एक के जीवन में रहता ही है, और ये भी तकलीफ नहीं है, बचत कम होगी, इसके अलावा कोई बहुत बड़ा माइनस पॉइंट नहीं है।
आराम से आप पार्ट लीजिए, केवल बड़ी राहु रेखा आएगी उस समय अगर आप अपने आप को कंट्रोल रख सको तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे आपको एक दो महीना लॉस जाने लगे, समझ लो आपकी राहु रेखा स्टार्ट हो गई। वो एक साल बैठे बैठे खाओगे तो भी चलेगा, उसको छोड़कर बहुत बड़ा माइनस पॉइंट आपके हाथ में नहीं है। मेरे हिसाब से ये काफ़ी उत्तम पाम है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।